हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्प्लिटिंग कैसे निकाली जाती है और ये स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड होती है ये देखेंगे। तो प्रोटॉन NMR की तरह यहाँ भी N+1 रूल अप्लाई करके स्प्लिटिंग निकाली जाती है और इस N+1 रूल को ही हम स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। अब यहाँ जो N प्रेजेंट है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू कार्बन। अब क्या होता है, कुछ रेफरेंस बुक में प्रोटॉन्स दिया जाता है तो कुछ रेफरेंस बुक में हाइड्रोजन एटम ऐसा कहा जाता है। ये दोनों एक ही है, सिर्फ कहीं प्रोटॉन यूज़ किया मिलेगा या फिर कहीं हाइड्रोजन एटम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ हाइड्रोजन एटम के थ्रू देखते हैं। तो हमारे कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होंगे उस पर हमारी स्प्लिटिंग डिपेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH2 ग्रुप है और CH2 ग्रुप के साथ यहाँ दो प्रोटॉन मतलब दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो N हो जाएगा हमारा 2+1 कर देंगे तो हमें यहाँ 3 पिक्स मिलेंगे, मतलब यहाँ हमें ट्रिपलेट मिलेगा। इस तरह हम स्प्लिटिंग निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहला एग्जांपल है CH3CH2Br। तो यहाँ दो टाइप्स के कार्बन है क्योंकि ये CH2 का कार्बन है जो Br के साथ अटैच है और यहाँ CH3 के कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है। तो ये हो जाएगा A कार्बन, ये हो जाएगा B कार्बन। अब इन कार्बन्स के लिए हम स्प्लिटिंग निकालते हैं। तो जो एक कार्बन है उसके साथ 3 प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच है तो यहाँ N हो जाएगा 3+1 कर देंगे तो यहाँ हमें 4 पिक मिलेंगे। 4 पिक्स का मतलब है यहाँ हमें क्वार्टेट मिलेगा। इस तरह हम हाइड्रोजन एटम से हमारी स्प्लिटिंग निकालते हैं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब बी कार्बन के लिए देखें, बी कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ 2+1 हो जाएगा। इस तरह हमें यहाँ ट्रिपलेट मिलेगा मतलब यहाँ हमें 3 पीक मिलेंगे। तो ये बी कार्बन हमें ट्रिपलेट देता है। इस तरह आपको कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है उससे स्प्लिटिंग निकालनी होती है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है CH3CH2CHCl C डबल बॉन्ड OH। तो ये कार्बन भी हमें पीक देता है, वो किस तरह ये हम रूल अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स है, 3+1 हो जाएगा 4, तो ये कार्बन हमें क्वार्टेट देगा जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था। अब ये बी कार्बन है, ये बी क्यू है, यहाँ भी आपको इजीली समझ आएगा कि ये जो 4 कार्बन्स है वो 4 कार्बन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है और डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से ये हमें डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो इसीलिए हमने इस CH3 के लिए क्वार्टेट कंसिडर किया। अब CH2 ग्रुप के लिए देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है, 2+1 यहाँ हमें ट्रिपलेट मिलेगा। अब यहाँ सिर्फ CH ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ हमें डबलेट मिलेगा। और जो हमारा लास्ट का कार्बन है जो है C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा ये जो लास्ट का कार्बन है ये हमें डबलेट देगा। ये डबलेट क्यों देगा, क्योंकि इसके पास भी यहाँ एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और इस वजह से ये डबलेट देगा। इस तरह ये जो C डबल बॉन्ड O के कार्बन है या फिर अगर ये इस कार्बन के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी अटैच होता तो भी वो हमें यहाँ सिग्नल देता। यहाँ अगर प्रोटॉन नहीं होता तो हमें यहाँ सिग्नलेट मिलती और प्रोटॉन ज़्यादा होते तो यहाँ डबलेट ट्रिपलेट इस तरह मिलता। तो याद रखना है जिस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट ना हो तो वो कार्बन हमें सिंगलेट देता है, वहाँ हमें सिग्नल उस कार्बन के लिए मिलता है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl। अब यहाँ जो 3 कार्बन्स है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो यह हमें CH3 क्वार्टेट देगा। जैसे कि हमें पता है 3+1 करेंगे तो 4 मतलब क्वार्टेट मिलेगा। अब ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन आइटम नहीं है फिर भी ये हमें सिग्नल देगा क्योंकि ये सिंगल यहाँ हाइड्रोजन आइटम नहीं है तो यहाँ हम 0 कंसिडर करेंगे N के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 0+1 तो यहाँ हमें 1 मतलब 1 मिलेगा मतलब सिंगलेट मिलेगा। तो इस तरह इस जिस कार्बन के पास कोई भी प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं है वो हमें सिग्नल देता है मतलब वो हमें सिंगलेट देता है। तो यहाँ बस CH2 ग्रुप के लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगा। इस तरह आपको यहाँ स्प्लिटिंग निकालनी होती है। अब बेंजीन के लिए देखिए, यहाँ पहले हम कार्बन्स को नंबरिंग देते हैं उसके बाद हम इनकी स्प्लिटिंग देखेंगे। तो ये CH3 ग्रुप को हम A कहेंगे, यहाँ जो कार्बन होगा वो B हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये हमारे B कार्बन हो जाएंगे, ये जो है वो C कार्बन हो जाएंगे और ये जो 3 बाकी के कार्बन्स हैं वो D हो जाएंगे। अब ये टाइप्स ऑफ कार्बन आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ ये वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो हमारे जो A कार्बन है उनके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3+1 4 हो जाएंगे, इस तरह हमें क्वार्टेट मिलेगा।
तो हमारा जो बी कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो बी हमें सिंगलेट देगा, क्योंकि हमारा कार्बन सिर्फ फोर बॉन्ड बनाता है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ जो कार्बन है उसके फोर बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये हमें सिंगलेट दे रहा है। जो सी कार्बन्स है उनके पास देखिए 1, 2, 3 और जो एक बॉन्ड रहेगा वो हाइड्रोजन आइटम का होगा, तो यहाँ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो सी हमें डबलेट देगा। उसी तरह जो डी कार्बन है उनके पास भी एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये भी हमें डबलेट देंगे। इस तरह आप ये निकाल सकते हैं। अब आगे का एग्जांपल देखते हैं, CH3CH CH3CH2C डबल बॉन्ड O Br। यहाँ जो ये दो CH3 ग्रुप है उनके कार्बन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। अब सेम केमिकल इन्वायरमेंट होने की वजह से इन्हें हम A से डिनोट करेंगे, तो जो ये कार्बन है वो हमें क्वार्टेट देंगे, क्योंकि इनके पास कितने हाइड्रोजन आइटम्स है, 3-3 हाइड्रोजन आइटम्स है, तो वो हमें क्वार्टेट देंगे। अब ये जो कार्बन है, ये जो बी वाला कार्बन है वो हमें डबलेट देगा। उसी तरह ये जो CH2 का कार्बन है ये ट्रिपलेट देगा, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन है वो हमें सिंगलेट देगा। इस तरह हमें यहाँ स्प्लिटिंग मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।